और कुरेशी, आज हम जिस विषय के बारे में आपके को इन्फॉर्म करने वाले हैं, जिस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस विषय का नाम है हाउ टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन इन आईसीयू। क्या आप आईसीयू में एडमिट होने से बच सकते हैं? कैसे? तो आज हम एक केस डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, फीवर का केस हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस फीवर के बारे में आज हम बात करेंगे। उस फीवर का नाम है डेंगू फीवर। डेंगू इज कॉज्ड बाय द वायरस, डेंगू वायरस। लेकिन ये मॉस्किटो के बाइट होने से जो है ब्लड में वायरल लोड बढ़ने के बाद जो है डेंगू का जो है हमारे शरीर में सिम्टम्स दिखना चालू होता है। तो क्या क्या है, कैसे कैसे होगा, इस बारे में हम आज डिटेल बात करेंगे। और इसी विषय पर हम ये बताएंगे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से बच सकते हैं क्या। ओके, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल फ्रेंड्स, मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर नॉट स्टिल सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ प्रेस द रेड बटन बिलो द वीडियो एंड यू विल गेट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू विल बी इन टच विथ मी। और आप मेरे साथ टच में रहेंगे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको जो है उसकी इत्तला मिलेगी। दोस्तों, डेंगू फीवर जब हमारे शरीर में हमें मॉस्किटो बाइट होता है, तो जब डेंगू का जो सिम्टम्स शुरू होता है विद इन वन वन वीक हमारे शरीर में जो है चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें फीवर शुरू होता है, फीवर के साथ हमारे बॉडी पर रैश आना जो शुरू होता है, फिर कभी कभी हमें एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दुखता है, कभी कभी वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है, नौशिया भी हो सकता है, और सीवियर हेडेक एंड हेडेक के साथ द आई पेन, जो हमारे आईबॉल्स रहते हैं उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसे सिम्टम्स आपके शुरू हो गए हैं तो इमिडिएटली जो है आप किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाके, दोस्तों अंडरलाइन द वर्ड, अगर आपको फीवर है और आपने ट्रीटमेंट ली है, कम नहीं हुआ है, तो बाद में आप अच्छे फिजिशियन के पास जाकर जो है अपना ब्लड ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लें। ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर करा लेंगे तो उसमें तुमको दिखेगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं। सीबीसी और लीवर फंक्शन टेस्ट करने के बाद आपको प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और बिलिरुबिन की जो रेंज है वो दिखेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपका डेंगू किस कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर इस शुरुआत की कंडीशन में आपने ट्रीटमेंट ले ली तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की भी गरज नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिए तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है और कभी कभी तो आपको आईसीयू में भी एडमिट होने की गरज पड़ सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको समझ में आ गया है और आपको डायग्नोस हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड, ओरली फ्लूड ले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बुखार है तो पैरास्टामोल ले, एस्प्रिन डाले। ऐसी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और उसी के साथ आप कुछ फ्रूट खाएं, जैसे कि पपाया है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, इस फ्रूट से भी प्लेटलेट बढ़ते हैं, ऐसे आप लोगों को भी मालूम है और हम भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना कि हाउ टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन इन आईसीयू, क्या आप आईसीयू में एडमिट होने से बच सकते हैं। तो आपको जब भी कोई तकलीफ हो, नॉर्मल फीवर है, ठीक है, इट्स ओके, फीवर है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी करा लो। अगर आपको कफ है, राइनाइटिस है और आपको डिस्निया है, दम लगता है, तो इमिडिएटली जाके आप जो है उसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल जो बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं, वो बेसिक ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। बेसिक ट्रीटमेंट अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो है आईसीयू में एडमिट होने की गरज नहीं पड़ सकती। नहीं तो मोस्ट एस्थमेटिक पेशेंट्स जो है आसानी से जो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो बाद में आईसीयू में एडमिट होते हैं और लाखों रुपये वहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनका जो है बेसिक ट्रीटमेंट में इनहेलर अगर वो ले रहे हैं, नेबुलाइजर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो वो आईसीयू में एडमिट होने से बच सकते हैं। अदर कंडीशंस में भी आप जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप जो है उसको डिक्लाइन मत करो, उसको बैग पे मत रखिए, इमिडिएटली जाइए और हॉस्पिटल ओपीडी में फिजिशियन को बताइए और जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो चालू करें। अगर ऐसी ट्रीटमेंट अगर करेंगे आप तो आप
आईसीयू में एडमिट होने से बच सकते हैं। आपको और एक इसमें केस डिस्कशन करेंगे कि आपको हार्ट में लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, ओके, तो शुरुआत में जो है आपको आईसीयू में एडमिट होना ऐसा पेन नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको जो है अंजाइना बोलते हैं उसको, अंजाइना जो है, अंजाइना मीन्स द पेन ऑन द लेफ्ट साइड। अंजाइना की भी बहुत से क्लासिफिकेशन है, हम आगे देखेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंजाइना इन दिस कंडीशन इज स्टेबल अंजाइना। शुरुआत में आपको जो है स्टेबल अंजाइना से शुरुआत होती है। मीन्स क्या है, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करते हैं तभी आपको यहाँ पे पेन होगा, आपको कुछ लेफ्ट साइड में पेन होगा, और कभी कभी माइल्ड स्वेटिंग भी होगी और लेफ्ट हैंड पेन भी माइल्ड होगा। तो आप जब है एक्सेसिव वर्क करेंगे तब अगर पेन होता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल अंजाइना। और स्टेबल अंजाइना जब आपको है तो ऐसे कंडीशन में आपको ओपीडी में जाके किसी भी फिजिशियन को, जनरल जीपी, जनरल फिजिशियन को दिखा कर उसके पास से ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम काट कर उसमें आपने ये डायग्नोस कर लेना चाहिए कि आपको अंजाइना है कि नहीं। ईसीजी में फिजिशियंस देखेंगे कि टी वेव इन्वर्जन है क्या, और वो इमिडिएटली जो है आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स शुरू करेंगे। तो इस वजह से आपको क्या होगा दोस्तों, आईसीयू में एडमिट होने की गरज नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर अंजाइना बढ़ता ही चले जाएगा तो हम बाकी के प्रोसीजर करेंगे, ईसीजी है, टू डी को ईसीजी कर लिए, टू डी को करेंगे, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंजियोग्राफी कर लेंगे, अगर उसमें कुछ है तो एंजियोप्लास्टी को जाएंगे या बाईपास को जाएंगे। सो दोस्तों फ्रेंड्स, आपको अगर कोई तकलीफ है तो इमीडिएटली जो है उसका ट्रीटमेंट लो। अगर ट्रीटमेंट में आपने डिले कर दिया तो आप आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं। किडनी स्टोन का पेशेंट भी आईसीयू में एडमिट हो सकता है, ओके, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल। किडनी स्टोन तो आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसको आईसीयू में एडमिट होने की गरज कब पड़ सकती है, आपके निग्लेक्ट करने के बाद, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हॉस्पिटलाइजिंग इन द आईसीयू बाय जस्ट टेकिंग द प्रॉपर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फ्रॉम द प्रॉपर फिजिशियन, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।